नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच राहुल और सोनिया की मुलाकात होती नजर आई। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं इस समय राहुल गांधी, तो दूसरी तरफ उनके साथ हर नेता शिरकत करता नजर आ रहा है। और ऐसे ही जब सचिन पायलट पहुंचे थे केरल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में, वहां पर काफी देर तक उन दोनों के बीच बात हुई और वहां से सीधा निकलकर सचिन पायलट पहुंचे दिल्ली। दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी की तरफ से उनको राय दी गई कि पहले विधायकों को मना लो, जो विधायक आपसे नाराज हुए थे साल 2020 में, उनकी नाराजगी दूर कर लो। उस समय तक लग रहा था कि पायलट के समर्थन में विधायक आएंगे, लेकिन अचानक से 25 सितंबर की रात ने सारा खेल पलट दिया। अब राहुल गांधी से फिर से यहाँ पे मुलाकात हुई है सोनिया गांधी की, और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल यहाँ पर बीच का रास्ता निकाला जा रहा है कि कैसे राजस्थान में कांग्रेस सरकार बचाई जा सके, क्योंकि इस समय जो हालात हैं, गहलोत तो साफ कह रहे हैं कि उनका विधायकों पर कोई पकड़ नहीं, कोई बस नहीं, लेकिन विधायकों की तरफ से माफी भी मांगी उन्होंने आलाकमान से, जो रात उस रात को हुआ था। लेकिन उस रात जो हुआ वो सचमुच क्या है, कहीं ना कहीं पायलट खेमे के लिए निराश कर देने वाला था, कि जिस तरीके से उनके अपने ही पार्टी के सदस्यों ने विद्रोह किया था। अगर पायलट करते तो बगावत खेलाती, लेकिन वो विद्रोह था, वो विभागीय विधायकों के खिलाफ, ऐसा बार बार कहा जा रहा था। लेकिन इन्हीं सबके बीच लगातार सवालात ये बने हुए हैं कि जो राहुल गांधी हैं, क्या इस मामले पर पायलट की स्थिति साफ करेंगे, या दूसरा जो यहाँ पर एक कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई लड़ी जा रही है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच, उन दोनों की स्थिति साफ होने के बाद ही यहाँ पर पायलट की ओर रुख किया जाएगा। बहुत जल्द यहाँ पर सामने आ जाएगा कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चेहरा। सोनिया गांधी का वहां पर से कहीं ना कहीं कार्यकाल खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस समय जो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है, उस बीच अशोक गहलोत दिल्ली से जब पहुंचे थे राजस्थान, उन्होंने तीखे तेवर दिखाए और तीखे तेवर के साथ उन्होंने जो बातें कही वो भी सुन लीजिए जरा। देखिए, कई बार फैसले ऐसे हो जाते हैं, कई बार कई कारण हो जाते हैं, मान लीजिए, तो मैं उस पर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम किस स्थिति के अंदर ये फैसला हुआ, पर मैं किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि वो तो देखिए जो ऑब्जर्वर्स आएंगे जब एक बार फैसला हुआ तो ऑब्जर्वर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ऑब्जर्वर ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस प्रेजिडेंट आते हैं, तो ऑब्जर्वर को हम लोग उसी ढंग से व्यवहार करते हैं, और ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आए हैं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पर्सनालिटी है, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके, जिससे कि उनके वो ऑरा बना रहे। अब ये केस हमारा एक अलग तरह केस हो गया राजस्थान के अंदर। ये केस हिस्ट्री में देखा जाएगा ये क्यों हुआ। और हमेशा जब मुख्यमंत्री जाने लगता है कि भाई अभी मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, उस वक्त में 80-90% विधायक छोड़ देते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि नया आ रहा उसको पकड़ो, हमें मंत्री बनना है, हमें काम पड़ेंगे उनसे, ये कायदा होता है और मैं इसको बुरा नहीं मानता। ये क्या केस हुआ भाई कि जब मालूम था भाई कि मैं अगर अध्यक्ष बन जाऊँगा, नया मुख्यमंत्री कोई आएगा, तो क्या कारण था कि नया मुख्यमंत्री आने के नाम से 102 खड़े हुए, 102 मतलब वो दो लोग थे, वो इस कदर मतलब भड़क गए जो आज तक कभी हुआ ही नहीं आज तक। इतना क्या उनको भय था, क्या उनको फीलिंग थी मन के अंदर, और कैसे उनको मालूम पड़ा, सबसे बड़ी बात तो ये है, कैसे वो अंदाज कर लिया, मैं नहीं कर पाया, वो कर पाए, क्योंकि मैं तो बाहर था, दौरे में था, कभी मैं कोचिंग गया था, कभी मैं जैसे भी चला गया था, बताइए कि क्या नौबत आई है। तो मैं समझता हूँ सभी पक्षों को, हमारे सब नेताओं को सोचना चाहिए कि सच्चाई किस प्रकार ये हुई है, क्यों आक्रोश पैदा हुआ है विधायकों में, और उसको अपने आप को हम लोगों को चाहिए, हम सब कोई भी है, भले मैं हूँ या कोई भी है, अगर हमें कुछ कमियाँ हैं तो प्रयास करना चाहिए उसे दूर करने की, हमको खुद को प्रयास करना चाहिए। मैं तो करता रहता हूँ मेरा प्रयास, मैं तो हर वक्त से सीखता हूँ, तभी मेरा काम चलता है, तो इसलिए कोई परसेंट कोई नहीं होता है। मेरा मानना है कि राजस्थान में चुनाव जीतना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है, राजस्थान जीतेंगे तो आगे चुनाव जीतने की संभावना कांग्रेस बढ़ेगी, रिवाइव होगी कांग्रेस, जिसकी आज देश को जरूरत है, देशवासी चाहते हैं कांग्रेस मजबूत होकर ऊपर के आए देश में, एक कम से कम प्रतिपक्ष जो है, तानाशाही प्रवृत्ति खत्म हो, एक प्रतिपक्ष मजबूत बने, ये आम लोगों की धारणा है। जो कांग्रेस नहीं है वो भी चाहते कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए, ऐसी स्थिति में देश चल रहा है,
हमारी मोहर जिम्मेवारी है कि हम कैसे राजस्थान जनता का दिल जीते हैं और इस पर सरकार रिपीट करवाएं। उसके लिए हम कुछ भी करने के तैयार है, ये हमारी भावना है, तभी कांग्रेस वापस मजबूत बनेगी। और ये बात मैं मैडम को भी अजय माकन जी को मैं अगस्त में कह दी थी कि मैं मुख्यमंत्री रहूं या नहीं रहूं कोई जरूर नहीं, मैं विड्रॉ कर सकता हूं, आप सजे करना सब लोग और लगे भाई इस प्रकार हम सरकार बना सकते हैं, मैं पूरा सहयोग करूंगा, मैं पूरा कैंपेन करूंगा, मैं खुद अगस्त में कह चुका हूं। ये बात मैंने डिस्क्लोज की अभी तनोट के अंदर, जैसलमेर के अंदर, कि मैं मुख्यमंत्री रहूं और सरकार नहीं बने क्या मतलब हुआ। मैं चाहता हूं कि सरकार बने हमारी, वो हमारे सबका ध्येय होना चाहिए कि हम सरकार सब मिलके बनाएं अभी, और अभी वही सच्चा कांग्रेस माना जाएगा। ये आज संकट की घड़ी है कांग्रेस के सामने भी, आज़ादी के बाद में ऐसा वक्त पहली बार कांग्रेस सामने आया है जो लगभग 8 साल तो हो गए हैं। तो हम चाहेंगे कि देश को बचाने के लिए देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने जान दे दी अपनी, सरदार बैंस जी शहीद हो गए, कितने हजार लोग मारे गए निर्दोष लोग आतंकवादियों के हाथों। मैंने सब उस वक्त मैं देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ, मैं 40 साल से मुझे पार्लियामेंट में गए हुए हो गए, तब से मैं देख रहा हूँ हम सबका कर्तव्य किस प्रकार से हम इस देश को एक रखें, अखंड रखें, जिसके लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे नेताओं ने आज़ादी की पहले भी आज़ादी की बात। मुझे अफसोस होता है मोदी जी पर कि मोदी जी अब देश और दुनिया के अंदर तो जो दौरे कर रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं यहाँ पर आज़ादी का। अरे अमृत महोत्सव मनाने के लिए नौबत क्यों आई? क्योंकि कांग्रेस ने मुल्क को आज़ाद करवाया। देखा आप सभी ने किस तरीके से अशोक गहलोत के तीखे तेवर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, लगातार वो अपना कहीं ना कहीं जो रुतबा है, जो एक उनका जादूगरी है राजस्थान की राजनीति, वो लगातार बरकरार रखे हैं। लेकिन पायलट के साथ खाचरियावास ने मुलाकात करी, राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा कि पायलट के खिलाफ विद्रोह हुआ। मतलब कुछ ऐसे बड़े नेता है जो पायलट के समर्थन में भी है, और बाकी जो विधायक है जिन्होंने किसी के कहने पर, या यूं कहें कि शांति धारीवाल का नाम लिया था इसमें, और साथ ही साथ कुछ और नेताओं के नाम सामने आए थे जिनके कहने पर बैठकें हुई थी, नेताओं ने इस्तीफा दिया था, उनको कानो कान खबर नहीं थी कि वो इस्तीफा सौंप रहे हैं अपना, क्या वो सब पोल पट्टी खोलेंगे? अब यहाँ पर राहुल गांधी सोनिया गांधी क्या मिलकर गहलोत को बड़ा झटका देंगे? क्योंकि 25 सितंबर की रात को गहलोत ने बहुत बड़ा झटका दिया था यहाँ पर राजस्थान की राजनीति से जुड़ा सोनिया गांधी के मामले पर। बैठक आराम से हो सकती थी, फैसला आराम से हो सकता था, लेकिन इस बीच जो तमाम खबरें सामने आई वो सचमुच हैरान कर देने वाली थी। पायलट चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पायलट कुछ कर नहीं रहे, पायलट कर रहे हैं, विधायकों से संपर्क साध रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प है कि क्या गहलोत के सीएम पद से उनको बर्खास्त करते हैं यहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, क्योंकि लगातार केसी वेणुगोपाल के बयान को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा था 48 घंटे में कोई निष्कर्ष आ जाएगा, लेकिन 48 छोड़े यहाँ पर एक हफ्ता बीतने को आ गया है, इंतजार बहुत लंबा हो चुका है। राजस्थान का शांत समंदर आने वाले वक्त में किस तरीके से बड़ा तूफान लाता है ये देखना खासा दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। लेकिन आप क्या चाहते हैं सोनिया राहुल का फैसला इस मामले पर क्या हो? हमारे जो तमाम समर्थक है वो चाहते हैं कि गहलोत का इस्तीफा होकर पायलट को कुर्सी दी जाए, लेकिन आप क्या चाहते हैं अपनी राय खुलकर कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।